आज हम लोग पढ़ेंगे फिल्टर सर्किट्स के बारे में। ये फिल्टर सर्किट्स होता क्या है? फिल्टर सर्किट एक सिग्नल प्रोसेसिंग करने की कैपेबिलिटी रखता है, पर इसमें होता ऐसा है कि कुछ सिग्नल्स को ये एटेन्यूट करता है, यानी कि रिजेक्ट करता है। रिजेक्ट करने को भी एटेन्यूट हम लोग कह सकते हैं। और कुछ सिग्नल को ये क्या करता है दोस्तों, पास कर देता है, मतलब कुछ को रोक देता है और कुछ सिग्नल्स को जाने देता है, ठीक है दोस्तों। और इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं फ्रेंड सिलेक्टिविटी। तो दोस्तों अगर कहा जाए कि फिल्टर की सिलेक्टिविटी क्या है, तो जितना सिग्नल्स को वो रोक लेता है और जितना सिग्नल्स को पास होने देता है, उसी बेस हम लोग कह सकते हैं उसकी सिलेक्टिविटी होती है किसी भी फिल्टर की। वो फिल्टर चाहे एक्टिव फिल्टर हो चाहे पैसिव फिल्टर। और फ्रेंड्स देखेंगे कि हमारे फिल्टर्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा एक्टिव फिल्टर, एक होता है पैसिव फिल्टर। अगर फ्रेंड्स बात करें पैसिव फिल्टर की, तो ये हमारे पैसिव कंपोनेंट्स यानी कि रेजिस्टर कैपेसिटर, रेजिस्टर इंडक्टर और रेजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर से बना होता है, RC, RL और RLC से बना होता है पैसिव फिल्टर्स दोस्तों, जिसमें लॉसेस भी होते हैं। और एक्टिव फिल्टर्स में दोस्तों क्या होता है कि ओपाम होता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है, जिसमें क्या होता है कि डिफरेंट ऑपरेशंस हम लोग करते हैं और ये फिल्टर सर्किट एक्टिवली वर्क करता है, यानी कि आउटपुट हमारा एम्पलीफाइड होगा। अब दोस्तों देखते हैं कि जो बेसिक फिल्टर रेस्पॉन्स है हमारा, तो बेसिक फिल्टर रेस्पॉन्स फ्रेंड कैसे है? तो ये फिल्टर जो है हमारा, कुछ चार प्रकार से हम लोग डिवाइड करते हैं इस फिल्टर्स को, वो चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो। जिसमें हमारा एक आता है लो पास फिल्टर, जो एक पर्टिकुलर बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी को रोक लेता है और बाद बाकी को जाने देता है। और फिर ये क्या करता है हाई पास में हम लोगों का? हाई पास में दोस्तों कुछ एक बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी के बाद ही ये जाने देता है और बाकी को ये रोक लेता है। अब फिर बैंड पास में हमारा क्या करता है फ्रेंड्स? बैंड पास में हमारा एक सिलेक्टिव बैंड को ये ऑक्यूपाई करता है, बैंड स्टॉप में ठीक उसका उल्टा करता है, एक सिलेक्टिव बैंड को रिजेक्ट कर देता है, बाकी को सिलेक्ट कर लेता है। तो ये गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि गेन जो है हमारा वाई एक्सिस में गेन है और एक्स एक्सिस में फ्रीक्वेंसी है। इस तरीके से हमारा फिल्टर का आउटपुट को प्लॉट किया जाता है। आगे अगर हम देखेंगे तो ये हमारा डायग्राम थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा करके है, और इसमें फ्रेंड्स हम लोगों का जो गेन होता है, ये गेन हमारा डेसीबेल में होता है, डीबी में होता है फ्रेंड्स। तो और फ्रीक्वेंसी जो होता है, फ्रीक्वेंसी आपका किसी भी तरीके से हो सकता है, हर्ज में, जैसे 0.01 कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो सकता है या 1000 भी हो सकता है। और अगर ये कर्व को आप देखें तो ये ट्रांजिशन रीजन है इसका, और ये स्टॉप बैंड रीजन है जहाँ पे ये स्टॉप हो जा रहा है। और इसमें जो कर्व है, ये कर्व हम लोग का -20 dB डिकेड करके ये कर्व आया हुआ है फ्रेंड्स। तो ये हम लोगों का बेसिक लो पास सर्किट का हमारा ये रेस्पॉन्स है, एक्चुअल रेस्पॉन्स जो होता है, आउटपुट जो होता है। इसमें अगर फिल्टर सर्किट की बात करें फ्रेंड्स, तो कुछ टेक्निकल टर्म्स से हमें गुजरना पड़ेगा, जिसमें हम लोग आते हैं पास बैंड, ट्रांजिशन रीजन, स्टॉप बैंड, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग जानेंगे फ्रेंड्स कि जो फिल्टर सर्किट होता है, इसमें एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है जिसको हम अलाउड करते हैं पास करने के लिए, और मिनिमम से मिनिमम एटेन्यूशन इसमें प्रोवाइड करते हैं। -3 dB का भी एटेन्यूशन इसमें होता है फ्रेंड्स। अब ट्रांजिशन रीजन में अगर जाएंगे तो वो कुछ एरिया शो करता है जहाँ पे वो फॉल डाउन कर जाता है, जैसे कि हमने अभी लो पास फिल्टर में देखा फ्रेंड्स। और स्टॉप बैंड में अगर हम देखेंगे तो स्टॉप बैंड में ये फ्रीक्वेंसी हमारे यहाँ पे एटेन्यूट हो जाता है, रोक लिया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। तो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी को हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, जिसको हम लोग FC से डिनोट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी होता है, ये हम लोगों के स्पेसिफाइड लिमिट पे इसको डिनोट किया जाता है, जैसे -3 dB पे, 70.7% पे, ये हम लोगों का पास बैंड रेस्पॉन्स को हम लोगों का शो करता है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं कि हम लोगों का ये जो फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे देखिए FC है, 1000 FC है।
तो ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, अगर यहाँ पे आ जाता तो 100 fc हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग इसका रिस्पॉन्स को हम लोग पढ़ते हैं। अब एक नया टर्म फिर दोस्तों आता है बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ जो होता है वो एक पर्टिकुलर बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम लोग कहते हैं बैंडविड्थ। तो ये फ्रीक्वेंसी जो होता है बैंडविड्थ इज इक्वल टू एफ सी हो जाएगा, पर वो किस केस में होगा फ्रेंड्स, लो पास फिल्टर अगर एक आइडियल केस होता है तो उसमें हम लोग का बैंडविड्थ एफ सी हो जाता है। अब अगर हम लोग दोस्तों जानना चाहेंगे कि हम लोगों का जो आउटपुट है, तो आउटपुट में हम लोग जानेंगे कि जो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी है हम लोग का, तो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी एक्स सी इज इक्वल टू आर होता है। एक्स सी मतलब हो गया हम लोगों का रिएक्टेंस, कैपेसिटर के अक्रॉस जो रिएक्टेंस होता है, यानी कि एफ सी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/2 पाई एक्स सी, या फिर आर सी भी लिख सकते हैं दोस्तों। अब हाई पास फिल्टर में हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स कि एफ हाई पास फिल्टर इज वन दैट सिग्निफिकेंटली एटेन्यूट्स और रिजेक्ट्स ऑल फ्रीक्वेंसीज बिलो एफ सी एंड पासेस ऑल फ्रीक्वेंसी अबव एफ सी। द सिंपलेस्ट लो पास फिल्टर इज पासेस आर सी सर्किट विद द आउटपुट टेकन अक्रॉस आर। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग का हो क्या रहा है कि जो वहाँ पे होता है लो पास फिल्टर में जस्ट उसका उल्टा, इवन कनेक्शन भी आप देख सकते हो उल्टा है। उसमें हम लोगों का जो कैपेसिटर था वो पैरेलल में कनेक्टेड था और रेजिस्टर यहाँ पे कनेक्टेड था, बट यहाँ पे वो ऑल्टर्ड हो चुका है। और यहाँ पे रेस्पॉन्स भी यहाँ पे देखिए 20 dB डिकेड से ही स्टार्ट हो रहा है। तो यानी कि इधर से पास बैंड है और इसके पीछे वाला जो है ये स्टॉप बैंड है, मतलब इधर वाली फ्रीक्वेंसी को इसने रोक लिया है फ्रेंड्स। तो ये हाई पास का कैरेक्टरिस्टिक है, और इसकी भी जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 1/2 पाई आर सी। अब मान लीजिए आर सी के वैल्यूज़ को आप चेंज करते जाइएगा तो वो फिल्टर का जो रेस्पॉन्स है आउटपुट वो भी उसी प्रकार से चेंज होते जाएगा। बैंड पास फिल्टर देखेंगे फ्रेंड्स। तो बैंड पास फिल्टर में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी को ये पास करने के लिए अलाउ करता है, जिसमें हम लोग का एफ सी वन है और एफ सी टू है। अगर एफ सी टू माइनस एफ सी वन कर देंगे फ्रेंड्स तो हमें मिल जाएगा बैंडविड्थ, और एफ जीरो जो है ये हमारा मिड फ्रीक्वेंसी है दोस्तों, ठीक है। तो इसको अगर हम ड्रॉ करना चाहेंगे कि भाई इसकी सर्किट होती कैसे है, तो सर्किट आप देख सकते हो यहाँ पे फ्रेंड्स इस प्रकार से होती है। आर आपका सीरीज में होता है और एल सी हमारे पैरेलल में होते हैं, और इसमें ए सी इनपुट दिया हुआ है दोस्तों। वही चीज़ जो हमने बताया यहाँ पे लिखा हुआ है, बैंडविड्थ जो होता है हमारा डिफरेंस होता है, और एफ जीरो जो होता है वो होता है रूट अंडर एफ सी वन और एफ सी टू। ये मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर में है, ज्योमेट्रिक मीन वैल्यूज है। अब देखिए दोस्तों, क्वालिटी फैक्टर, अगर हम फिल्टर की क्वालिटी फैक्टर के ऊपर बात करेंगे तो क्वालिटी फैक्टर होती कैसे है दोस्तों, क्यू इज इक्वल टू एफ जीरो बाय बी डब्ल्यू, यानी कि क्यू का जो वैल्यू होता है फ्रेंड्स वो एफ जीरो बाय बी डब्ल्यू होता है, यानी कि एफ जीरो हमारा जो मिड फ्रिक्वेंसी है डिवाइडेड बाई हमारा बैंडविड्थ। ये होता है हमारा किसी भी फिल्टर का क्वालिटी फैक्टर। अब जो क्वालिटी फैक्टर होता है इसे अगर हम एक्सप्रेस करना चाहें तो उसे हम डैम्पिंग फैक्टर के हिसाब से भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू 1/ डैम्पिंग फैक्टर। अगर बैंड स्टॉप फिल्टर पे हम लोग डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स, तो ये जस्ट हमारा बैंड पास फिल्टर का ऑपोजिट है, यहाँ लिखा भी वही है दोस्तों। एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी बैंड को हम लोगों ने यहाँ से रिजेक्ट कर लिया, बाकी इधर वाले बैंड्स को हमने पास कर दिया। अब मान के चलिए कि अगर हम फिल्टर का रेस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक को अगर हम देखना चाहें तो वो कुछ इस प्रकार से देखेगा, इस प्रकार से दिखेगा फ्रेंड्स। अब हम लोग जाते हैं दोस्तों, ये जो डैम्पिंग फैक्टर हमने पढ़ा, ये डैम्पिंग फैक्टर होता क्या है। अगर आप एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर में आर सी सर्किट को रखेंगे और रेजिस्टेंस आर वन और आर टू को रखेंगे कुछ इस प्रकार से, तो हमारा डैम्पिंग फैक्टर इज इक्वल टू 2 - R1/R2 हो जाएगा कुछ ऐसे, इसे कहा जाता है डैम्पिंग फैक्टर। अब ये जो है दोस्तों हमारा ये लो पास फिल्टर है फ्रेंड्स, तो ये सिंगल पोल हमारा कनेक्टेड है, मतलब सिंगल पोल का मतलब है हमारा आर और सी जो है, एक आर है और एक सी है, और ये हम लोगों का डैम्पिंग फैक्टर के लिए दिया हुआ है दोस्तों, या आउटपुट भी आप कह सकते हो,
ये हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर है जो 741 आईसी का होता है, आप लोगों को पता होगा। आगे हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, द नंबर ऑफ पोल्स डिटरमाइंस, क्या डिटरमाइन करता है दोस्तों, रोल ऑफ रेट ऑफ द फिल्टर। फिल्टर का रोल ऑफ रेट होता है उसको डिसाइड करता है कैसे। अगर सिंगल पोल का है और फर्स्ट ऑर्डर का है तो -20 dB का डीके जाएगा। अगर मान लीजिए दोस्तों कि ये दो पोल का है तो -40 dB का डीके होगा। अगर मान लीजिए दोस्तों थ्री ऑर्डर का है तो -60 dB का डिकेड होगा। आप पूछोगे सर डिकेड होता क्या है, तो डिकेड दोस्तों यही होता है यहाँ पे जो आप कर्व देख रहे हो नीचे जा रहा है, इसी को डिके कहते हैं। ये थ्री पोल थ्री ऑर्डर का बना हुआ है दोस्तों। इसमें देखिए एक इनपुट जो दिया गया है, इसके आउटपुट को फिर से इनपुट में कंबाइंड करके, फिर आउटपुट को इनपुट में कंबाइंड करके जा रहा है, तो ये थ्री स्टेज में है, तो इसीलिए इसको थ्री पोल थ्री ऑर्डर हम लो पास फिल्टर कह सकते हैं फ्रेंड्स। तो लो पास फिल्टर के कुछ एडवांटेजेस होते हैं अपने, जो क्या करता है कि सिग्नल्स को एटेन्यूट करता है, लोडिंग प्रॉब्लम भी इसमें नहीं होता है, और काफ़ी अच्छा फ्रीक्वेंसी रेंज पे भी काम करने के लिए सूटेबल होता है फ्रेंड्स। अच्छा, अगर हम फ्रेंड्स बात करें कैस्केड कनेक्शन की, अगर लो पास फिल्टर में हम कैस्केड कनेक्शन करना चाहें तो वो कुछ इस प्रकार से हो पाएगा फ्रेंड्स, देख सकते हो आप। सिंगल पोल फिल्टर का इस प्रकार से रेस्पॉन्स आएगा। अब दोस्तों देखिए हाई पास फिल्टर, तो हाई पास फिल्टर में हम लोगों का ये टू पोल हाई पास फिल्टर है। टू पोल इसलिए है दोस्तों क्योंकि यहाँ पे दो कैपेसिटर है और दो रेजिस्टर्स है, तो इसको टू पोल हम कहेंगे। इसको कैस्केडिंग करेंगे अगर हाई पास को, हाई पास हमारा लो पास का जस्ट ऑपोजिट होता है, तो वो कुछ इस प्रकार से आएगा। और हम लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स जो एक्टिव हमारा बैंड पास फिल्टर है वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा फ्रेंड्स, उसका रेस्पॉन्स कुछ इस प्रकार से आएगा। क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर है दोस्तों, यहाँ पे एक हमारा टू पोल टू ऑर्डर का है ये, तो इसका जो डिकेड होगा दोस्तों वो -40 dB का डिकेड होगा दोनों तरफ से। एक तरफ लो पास रेस्पॉन्स हम लोग को, एक हाई पास रेस्पॉन्स मिलेगा इसमें। ये इसके फॉर्मूलाज हो गए फ्रेंड्स, ये बैंड पास फिल्टर का हम लोगों का मल्टीपल फीडबैक का हमारा डायग्राम है, इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा है फ्रेंड्स। क्यू फैक्टर क्वालिटी फैक्टर हमने पढ़ा चुका है, आपको बता चुका है। ये देख सकते हो आप दोस्तों, लो पास का ये हमारा एरिया है, ये हाई पास का एरिया है, और ये बैंड पास का एरिया है। ये हम लोगों का जनरल स्टेट वेरिएबल रेस्पॉन्स कर्व हो गया। बैंड स्टॉप फिल्टर अगर बनाना चाहेंगे फ्रेंड्स तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। इसे नॉच फिल्टर भी हम लोग कहते हैं, इसका एक अलग तरीके का नाम है नॉच फिल्टर। स्टेट वेरिएबल ऐसे ऐसे चेंज कर किया जा सकता है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आज हमारा ये लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू, धन्यवाद।